बढ़ती महंगाई, किसान आंदोलन और सरकारी संस्थाओं को बेचने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर शाब्दिक हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के रास्ते से हटकर तानाशाही के रास्ते पर जा रही है। वही सरकार छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए अमेजॉन कंपनी से नियम बदलने के लिए पैसे ले रही है, ऐसा आरोप मोहन प्रकाश ने नागपुर में लगाया। कागज आपके पास वितरित हुआ है, उस विषय के पहले मैं एक विषय लेना चाहता हूं और आज आपके संज्ञान में मैं 3-4 बिंदु रखना चाहूंगा। मित्रों, ये देश अत्यंत गंभीर हालात में गुजर रहा है। दुनिया में कहीं भी ये मिसाल आपको नहीं मिलेगी। इवन मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी भारत के कि लगातार साल भर तक अहिंसक आंदोलन हुआ, किसी वर्ग ने किया। पिछले 1 साल से इस देश का किसान अहिंसक तरीके से 3 कृषि कानूनों को वापस कराने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार भागवत निर्देशित मोदी सरकार ने हिंसा का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया और क्रूर हिंसा, अलोकतांत्रिक हिंसा, यानी एक मुख्यमंत्री आवाहन करता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, कि गांव वालों तुम लाठी दल तैयार करो और जैसे को तैसा करो। नंबर 1, केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री कहता है कि किसानों सुधर जाओ, नहीं तो हम 2 मिनट में तुमको ठीक कर देंगे। तुमको मालूम है ना चुनाव लड़ने के पहले हमारा क्या चुनौतियां थी। और मंत्री का बेटा कुचल रहा है गाड़ियों से। और इस देश के किसी राजनीतिक दल को योगी सरकार लखीमपुर तक जाने नहीं देना चाहती। जिस तरीके का दुर्व्यवहार श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ हुआ है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ होगा, दुर्व्यवहार। बताने के बाद भी दीपेंद्र हुड्डा एमपी है, किस तरीके से योगी की सरकार उनके ऊपर हमला कर रही है, अमानवीय व्यवहार कर रही है दोनों के प्रति, अन्य दलों के साथ भी उन्होंने किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी अत्याचार योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है, वहां पर प्रियंका गांधी गई है उनकी सहानुभूति, और हर जगह प्रियंका गांधी जी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की भी हुकूमत रही है, लेकिन एक जगह बता दीजिए कि विपक्ष के लोगों को घटनास्थल पर जाने से रोका या अपमानित किया हो। हां, कई बार सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसमें जरूर रुकने की बात होती है। इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, नंगा नाच हो रहा है तानाशाही का। शाह और तानाशाह इस देश को लोकतंत्र के हाथ
रास्ते से हटाकर और तानाशाही के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और यह सरकार भागवत निर्देशित है। हम मांग करते हैं कि तत्काल सारे दलों को, प्रियंका गांधी जी को रिहा करके उन लोगों के जिनके मौत हुई है उनके यहां जाने में तो भारतीय परंपरा रही है। और जब कोई किसी मौत पर बैठने जाता है तो कभी हंगामा नहीं होता है। आज तक कभी बताइए हुआ हो तो? और क्या प्रियंका गांधी चाह रही है? बस यही चाह रही है, वो सभा सम्मेलन करने लखीमपुर नहीं जा रही, वो सिर्फ जो लोग की हत्या की गई है गाड़ी चढ़ाकर, अब तो वीडियो आ गए हैं, अब तो मोदी और योगी का झूठ भी नहीं चल सकता। और पत्रकार मित्रों, आप भी सचेत हो जाओ, रमन कश्यप नाम का पत्रकार जिसकी मौत हुई है, कल उसका पोस्टमार्टम हुआ, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उसके पिता और उसके गांव के लोग कह रहे हैं कि उसके बांह में गोली लगी है क्योंकि वो कवर कर रहा है। और कोई नया पत्रकार नहीं था, लखीमपुर जिले का वो नोन परिचित चेहरा था, लेकिन उस इलाके का था, इसलिए वो वहां पर जिस तरह जब चढ़ाया गया लोगों पर, देखिए पीछे से भीड़ लौट रही थी किसानों की, और पीछे से मंत्री पुत्र आता है तीन गाड़ियों के साथ और रोंगता हुआ चला गया। उसमें जो कवर कर रहा था तो उसको कुचला, थोड़ा सा बचा वो, और फिर उसके गोली मारी गई जो कि उसके हाथ में लगी। और वो ऐलान किया उन्होंने, उनके पिता ने, कि अभी भी लाश रखी है, जिसको देखना है देख ले कि हाथ से गोली आर पार हुई। मित्रों, इस भयावह स्थिति की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दूसरा, मैं अभी चैंबर ऑफ कॉमर्स से आ रहा हूं, वह हमको व्यापारी मिले और उन्होंने बताया कि खेती के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर अगर कोई है तो छोटे व्यापारी। और आज छोटे व्यापारियों को मारने का, खत्म करने का काम शुरू हो चुका है। और ये भागवत निर्देशित मोदी और योगी सरकार और इन लोगों के द्वारा हो रहा है। एक उदाहरण देता हूं, और कई है, लेकिन मैं ये भागवत से पूछना चाहूंगा कि पांचजन्य निकालता है कि अमेजन, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है, और तुम्हारी सरकार, तुम्हारा विनम्र स्वयं सेवक 8,546 करोड़ रुपए की घूस ले रहा है। इस देश के लाखों करोड़ों व्यापारियों की को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ये 8,546 करोड़ रुपया घूस में ले रही है। और आप देख रहे होंगे सारे संचार माध्यमों में यह एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 4 तारीख से शुरू हुआ है। किसका? अमेजन। और ये हम नहीं कह रहे, अमेजन ने कहा कि हमको यहां पर हिंदुस्तान में नियम कानून बदलवाने के लिए, मोदी सरकार से नियम कानून बदलवाने के लिए हमने लीगल फंड खर्च किया है 8,546 करोड़। बोल भागवत जी, बोल, ये पैसा कहां गया, किसकी कीमत पर? इस देश के छोटे व्यापारी और इस देश के जो छोटे उद्योग धंधी लगाने वाले लोग हैं मित्रों, ये खाली व्यापारी का सवाल नहीं, जो छोटे व्यापारी के यहां लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं रोजगार,
उनका सवाल है। फिर जो छोटे उद्योग बनते हैं, जो इन छोटे व्यापारियों को सप्लाई करते हैं, वो खत्म। 14 करोड़ लोगों का रोजगार तो मोदी सरकार खा चुकी है। ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसका जवाब हम चाहते हैं कि मोदी सरकार दे, हम चाहते हैं कि मोहन भागवत दे। क्यों? कि उनके विनम्र स्वयं सेवक इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार। इतना नहीं, मैं नागपुर में बोल रहा हूं इसलिए भागवत जी का नाम ले रहा हूं। आप तो बड़े राष्ट्रवादी, लेकिन इस देश के अंदर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जिसमें हिंदुस्तान की सेना के लिए गोले बारूद बनते हैं, 62,000 एकड़ उसकी जमीनें हैं, लाखों उसमें कर्मचारी हैं। परसों 3 दिन पहले उन सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अशोक चिन्ह उतार लिया गया। भागवत जी जवाब दो आप, कर्मचारी की आंखों में आंसू थे जब अशोक चिन्ह उतारा जा रहा था। और आप याद रखना, कोई राष्ट्रभक्त यह काम नहीं कर सकता। क्यों? कि जो भारत की सेना के पास जो हथियार है उसकी आवश्यकता अनुसार ही ये जो 41 हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है वो निर्माण करती है। अब जो नया आप देंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वो तो उसमें उसको जो मुनाफा होगा उसमें करेगा। और इसका नतीजा क्या होगा कि आप भारत की सेना को हर एक चीज के लिए विदेशों से मोहताज कर दें। अगर युद्ध के समय 2 दिन भी अगर गोला बारूद देर होता है तो युद्ध में तो आप ऐसे ही परास्त हो गए। और याद होगा आपको 71 में बीपीसीएल क्यों बना था, बर्मा शेल था। क्यों बर्मा शेल का राष्ट्रीयकरण हुआ? क्योंकि 71 के वार में, 62 के वार में सेना को पेट्रोलियम पदार्थ मिलने में देर हुई थी। और जानते हैं आप, 15,000 पेट्रोल पंप हैं बीपीसीएल के, 7,500 गैस एजेंसीज हैं इस देश में, 3 रिफाइनरी उनकी है, 4थी रिफाइनरी ओमान के संयुक्त उद्यम में है। और आज मोदी सर 11% इस देश की पेट्रोलियम आपूर्ति वो करता है, आवश्यकता की आपूर्ति, उसको आप बेच रहे। LIC, भागवत जी आपको जरूरत नहीं होगी, मोदी जी आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन LIC इस देश की लाइफलाइन है। लाखों कर्मचारी हैं, 12 लाख उसके एजेंट हैं। और भारत सरकार को पैसा देती है, 12 से 17 वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें उन्होंने 18,000 करोड़ रुपया, 12 से 17 वाली पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार को दिया। वाह मोदी जी वाह, आप उसको भी 25% उसमें दे सकते। सारे क्षेत्रों में आप देखिए धीरे धीरे ये आर्थिक साम्राज्य जो देश मुल्क चाहते हैं भारत में, उसकी कठपुतली सरकार है मोदी सरकार। क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान का आदमी जो थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति रखता होगा, देश हित के बारे में सोचता होगा, वो इन संस्थानों को नहीं बेच सकता। और खाली बेच नहीं रहे, एक अधिकार हो रहा है, अब आप सुनिए, 3,000
हीरोइन पकड़ी जाती है मुद्रा कोर्ट। इसके पहले 15 सितंबर को भी 30 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुद्रा कोर्ट से, और एक बार नहीं कई बार मुद्रा कोर्ट पोर्ट के पास या मुद्रा पोर्ट पर हीरोइन पकड़ी गई है। दो पुड़िया गांजा पर 21 साल की बेटी को 3 महीने तक आप रखते हैं, ईडी सीबीआई एनसीबी फौज छोड़ के जितनी भी एजेंसी भारत सरकार की होती है वो सब आपने लगा। भाई अडानी को हिरासत में लेकर कब पूछताछ करोगे मोदी? बोलो क्या इस देश को नशीली दवाओं का अड्डा बनाना चाहते हो? दुनिया की बड़ी ताकतें यही चाहती। आपने रेल दे दी अडानी को, आपने हवाई अड्डा दे दिया अडानी को, आपने पोर्ट दे दिया अडानी को, और अब ड्राई पोर्ट भी आप उनको दे रहे हैं। इससे होगा क्या? आपका जरा पता लगाइए, जवाहरलाल नेहरू वो जो दुनिया में एशिया में कितना नाम है उसका क्या हाल हो रहा? पहला भी बात दे रहे, पूरा पश्चिम का जो इलाका था गुजरात का वो आप दे चुके हैं। हो गया क्या कि सारी अवैध सामग्री यहां पर आयात होगी और उसके बॉस होंगे श्री अर गौतम अडानी, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक बार नहीं अनेक बार हो चुका, और जब एकाधिकार इनका होगा तो हजीरा पर भी पकड़े गए थे पहले हीरोइन या इस तरह की जो ड्रग होती है जो कि प्रतिबंधित है वो पकड़ी गई थी हजीरा में। तो जो पूरी आयात निर्यात नीति है आपकी वो एक आदमी के हाथ में आ जाए, कब्जे में आ जाए। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यहां बहुत नौजवान है, हम लोग तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन इस देश के अंदर राजनीतिक गुलामी से लड़ा जा सकता है क्योंकि सामने टारगेट होता है, लेकिन इस मुल्क में आर्थिक गुलामी से लड़ना बड़ा कठिन होता क्योंकि सामने टारगेट नहीं दिखाई पड़ता, वो अदृश्य होता, और जो सामने होता है वो तो खाली कठपुतली होता है। इसलिए भागवत के निर्देश पर मोदी सरकार इस देश को पुनः आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रही है। बेरोजगारी हम मानते हैं कि कोरोना काल के कारण हुआ है काफी कुछ, लेकिन नोटबंदी के कारण जो हुआ उसका कौन जिम्मेदार होगा? जवाबदेह कोई होगा कि नहीं होगा? जीएसटी के कारण जो इस देश के छोटे उद्योगों को परेशानी हुई है उसका कोई जवाबदेह होगा कि नहीं होगा? और उसके चलते जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनका क्या होगा? मुझे तकलीफ इस बात की है कि सरकार के सामने कोई ऐसी योजना भी नहीं ला रहे हैं सरकार जिससे ये लगे कि अब नए रोजगारों की तरफ शायद ये मुल्क खड़ा। मैं इन 3-4 बिंदुओं की तरफ आपको का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था। और अंत में महंगाई, आप कल्पना कीजिए, ये महंगाई नहीं है, महंगाई होती है अगर 10 रुपए का माल 15 में बिके, 18 में मिले, 17 में बिके तो वो महंगाई आप कह सकते, लेकिन अगर 10 रुपए का माल 25 रुपए में मिले तो महंगाई नहीं होती है, वो लूट होती है। और सुनो मोदी, अडानी का तेल जो 100 रुपए था, 90 और 95 रुपए था फॉर्च्यून, आज 250 रुपए में बिक रहा है।
और कितने महीने से बिक रहा है। सरसों का तेल जो 100 रुपए के नीचे था, 70 80 90 तक था, वो आज 210 और 220 पर बिक रहा है। दाल, ये मैं उन लोग वो चीजों की आपको चर्चा कर रहा हूं जो इस देश का गरीब से गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। जो मैंने अभी बताया चैंबर ऑफ कॉमर्स में, ये आज ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कर रहे हैं। अडानी ने क्या किया था, हिमाचल में कुछ साल पहले सेब खरीदना शुरू किया, तो जो छोटे 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 व्यापारी थे जो बागवानों से सीधे खरीदते थे और फिर बॉक्स में देते थे, उनसे 2 रुपया ज्यादा देना शुरू कर दिया। 4-5 साल में वो छोटे व्यापारी खत्म हो गए और आज अडानी ने 4 रुपया कम कर दिया। अब हो क्या रहा है कि सारे बागवान परेशान हैं और वो जो सस्ते में खरीद रहा है वो हमको रात को अडानी फ्रेश एप्पल के नाम पर 269 में हमको मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आर्थिक गुलामी, इसलिए ये जो महंगाई है ये महंगाई नहीं है। हमारे समय में भी महंगाई होती थी, लेकिन महंगाई महीने भर की होती है, 2 महीने की होती है, 3 महीने की होती है। कुछ नीतियां होती हैं सरकार की, सरकार के दबाव काम करता है और फिर भाव नीचे आ जाते हैं। लेकिन इनका हिस्सा है इस लूट में, अडानी की लूट में मोदी सरकार का पूरा हिस्सा है। इसलिए 100 रुपए का फॉर्च्यून 250 रुपए में बिक रहा है, वरना क्यों नहीं आपका कार्रवाई करते। और एक चीज पर नहीं है, दवाई का दाम देख लीजिए, आज जो दवाई ले रहे हैं वो शीशी खत्म हो जाए उसके बाद आप जाइए तो देखेंगे कि 5-10 रुपया 25 रुपया उस पर। तो इन सवालों को कांग्रेस पार्टी मजबूती से उठा रही है। ये जो छोटे व्यापारियों का सवाल है, जब ये अमेज़न की तरफ से नहीं आया था तब भी श्री राहुल गांधी जी लगातार इन सवाल को उठा रहे हैं, और जब सीतारमन जी ने और मोदी जी ने कहा कि हम प्रोत्साहन देने जा रहे हैं कितने हजार लाख करोड़ का, उस समय भी हमने कहा था कि बड़े उद्योगपतियों का तो लाखों आपने माफ कर दिया है, लेकिन ये जो छोटे दुकानदार हैं, एमईएस जो छोटे लघु उद्योग चलाने वाले लोग हैं, यही सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, जब तक इनको नहीं संभाला जाएगा, इनको मदद नहीं की जाएगी, तब तक हम नहीं समझते कि इस देश में आर्थिक व्यवस्था और बेरोजगारी दोनों का हल होने का कोई रास्ता निकलेगा। धन्यवाद। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। हैंड नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जम्स करता है प्रोटेक्ट, ये हैंड नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 800-700-6520।